सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो लास्ट वीडियो में हमने ये लेकर डिस्कस किया था कि कैसे तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस सिंगल डे के अंदर कंप्लीट करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें कोई भी गैप नहीं मिला और कल तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर ICSE सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स है। नाउ इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से पेज बाय पेज तुम्हारा एक्ट 4 सीन 1 आ रहा है, एक्ट 4 सीन 2 आ रहा है एंड एक्ट 5 आ रहा है। तो ये सारा जो जो तुम्हारा सिलेबस के अंदर है मर्चेंट ऑफ वेनिस से ड्रामा से जो जो पार्ट है उसमें से पेज बाय पेज हम इंपॉर्टेंट स्पीचेस को लेकर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मतलब स्पीचेस बोलूँगी, वो स्पीचेस से क्वेश्चंस आने का चांसेस रहेगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा तुम्हें। तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दोज टाइप्स प्रॉपरली। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा पेज नंबर 111 है। आई डोंट नो इन योर बुक इट्स गिवन ऑन विच पर्टिकुलर पेज। तो यहाँ पर तुम्हें ये फर्स्ट पेज है एक्ट 4 सीन 1 का, ट्रायल सीन का, तो डेफिनेटली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ड्यूक का, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज से शाइलॉक का स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग, ये वाला अच्छे से देख लेना। उसके बाद कम टू 117, सो पेज 119, यहाँ से क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया, दिस इज़ अ वेरी फेमस स्पीच बाय पोर्शिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एंड इवन यू विल फाइंड दिस इन योर स्पेसिमेन पेपर ऑल्सो। सो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया। आफ्टर दैट कम टू पेज 123, द पेजेस माइट वेरी इन योर बुक, सो पेज 123 एंटोनियो का ये जो स्पीच है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लिटिल आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी योर हैंड बसानियो फेयर यू विल, ये वाला जो स्पीच है दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कम टू पेज 125, सो टैरी अ लिटिल, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टैरी अ लिटिल देर इज़ समथिंग एल्स, ये पोर्शिया का स्पीच है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, उसके बाद फिर टैरी ज्यू, ये वाला स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 127, सो दिस स्पीच बाय पोर्शिया दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कम इन योर सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जाम्स, ये वाला तुम्हें लाइन्स दिया जा सकता है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट कम टू पेज 135, सो 135, सो वी आर इन एक्ट 5। तो ये जो है ये देखो लॉरेंजो का ये जो स्पीच है, यहाँ पर दे टॉक अबाउट डिफरेंट लवर्स, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर डाइडो, थिस्बी एंड ऑल ये सब चीज़ के बारे में बात होता है, तो वो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डाइडो एंड देन क्रिसिड, तो ये जो है ये सारा माइथोलॉजिकल लवर्स है, ये सारा चीज़ तुम्हें अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है डिटेल्स में, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो भी यहाँ पर मीनिंग्स दिया है, ट्रॉयलस कौन था, तो ट्रॉयलस वॉज द सन ऑफ द किंग ऑफ ट्रॉय, तो ये सारा चीज़ क्रेसिडा, ये सारा लवर्स के बारे में तुम्हें अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारा चीज़ को गो थ्रू करो, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि ये सारा चीज़ पूछा जाएगा, सो डू दिस प्रॉपरली। उसके बाद ये पेज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पेज भी गो थ्रू करना, फर्स्ट टू पेजेस फ्रॉम एक्ट 5 सीन 1, तो ये फर्स्ट टू पेजेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज विच इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दिस पर्टिकुलर पेज, यहाँ पर लॉरेंजो का एक स्पीच दिया हुआ है, द रीज़न इज़ योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव, ये वाला जो स्पीच है लॉरेंजो का पावर ऑफ म्यूजिक के बारे में, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सो डोंट लीव आउट दिस वन। एंड पेज 142 is this one, Gratianu ka speech. This is also important, so don't leave out this one, to Nerissa. Gratianu is talking to Nerissa and he gives this speech. तो ये speech भी बहुत important है, go through this particular speech. तो ये तुम्हारा कुछ important page by page हमने discuss किया कि कौन कौन सा speeches है. You need to go through all the speeches. यहाँ से reference to context type question आ सकता है. So that's all for this video. इसके साथ साथ अच्छे से preparations करो and English literature में कैसे तुम्हें answers present करना है उसके ऊपर मैंने already video बना दिया है अगर तुमने नहीं देखा है. So playlist का link नीचे description box में दिया हुआ है. Definitely you can watch that video. So that's all for this video. Thank you so much for watching and good luck for your English literature board exams. So I have this particular ebook for ICSE History Civics that will help you to boost your preparations for your semester 2 board examinations. Now let me tell you the benefits of preparing from this particular ebook. तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारा ICSE सेमेस्टर 2 का जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर सारा चैप्टर्स का यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस पे फोकस करना है बिकॉज अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपरेशंस के लिए टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है जो चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 में आ सकता है वो सारा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर ईबुक के अंदर इंक्लूडेड है।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आंसर्स भी इंक्लूडेड है, सॉल्यूशंस आर ऑल्सो देयर सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तुम्हें सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर आंसर्स, सॉल्यूशंस जो है एकदम रेलिवेंट है. अगर तुम कोई भी सैम्पल पेपर फॉलो करते हो, अगर तुमने कोई भी पर्टिकुलर बुक लिया है, तो वहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात की वहां पर तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा. यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि तुम इजिली लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम भी अगर थोड़ा एफर्ट देकर सारा क्वेश्चन कर लेते हो, सो यू कैन इजिली स्कोर 40 out of 40 ओनली बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स. सो द प्राइस ऑफ दिस ई बुक इज 35 rupees एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे ऑलरेडी परचेज कर लिया है. और यहाँ पर लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल दिस और हाउ यू कैन परचेज दिस. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तुम्हें वहां पर मुझे टेक्स्ट करना है. यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स टू अवेल इट. सो दिस ई बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर ICSE सेमेस्टर 2.